हेलो, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो ये हमने सामग्री ले ली है, घी है, कटे हुए फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम और एक कटोरी चीनी है। ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और जिस कटोरी से हमने चीनी ले ली है उसी कटोरी से हम सूजी नाप के ले लेंगे। तो ये देखिए, दो कटोरी हम सूजी लेंगे और इसका हम मीठा नाश्ता बनाएंगे। ये सूजी मेरी बहुत महीन वाली नहीं है, थोड़ा मोटी है। ये दो कटोरी सूजी ले लिया है और ये जो हमने घी लिया है, एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें घी डालेंगे। घी डाल के और ये सूजी जो हमने ली है दो कटोरी, ये सूजी डाल के अब इसको हम मीडियम आंच पे भून लेंगे और बराबर लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि सूजी चलाओगे नहीं तो नीचे तले में जल जाएगी। देखिए घी मेरा पर्याप्त है और अगर आपको लगे और ज़्यादा घी डालना है तो थोड़ा घी बाद में ऐड कर देना। बस हम इसको ऐसे चलाते हुए मीडियम आंच पे भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर आने लगा है इसका, हमको ब्राउन कलर में होने तक भूनना है। और ये देखिए घी भी छोड़ दिया है सूजी ने। अब हम थोड़ा घी इस स्टेप पे थोड़ा घी दो चम्मच लगभग और डालेंगे। ये देखिए दो चम्मच घी हमने और ऐड कर दिया है और अब इसको हम धीमी आंच पे भून लेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर दी है और ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं भूनना है, क्योंकि हाई फ्लेम में भूनोगे तो सूजी ऊपर ऊपर जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं सूजी मेरी बिल्कुल भून के तैयार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए हमने एक प्लेट सारी सूजी निकाल ली है। ये देखिए सारी सूजी हमने निकाल ली एक प्लेट में और अब हम इसमें कोई एक कटोरी चीनी जो हमने ली थी, मेजरमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और एक कटोरी चीनी में हमने चार कटोरी नाप के, जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी दो कटोरी उसी कटोरी से चार कटोरी पानी हम डालेंगे भर के। और अब हम इसको चलाएंगे और फ्लेम हाई कर देंगे जब पानी बॉयल होने लगे। ये देखिए पानी बॉयल होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे जो सूजी है और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। सूजी अभी गर्म है तो धीमे धीमे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो एकदम से ऊपर आ जाएगी। ये देखिए सूजी भी गर्म है और पानी भी गर्म है तो धीरे से डाल दीजिए और डालते हैं चलाते रहिए। अभी जितना पानी है सूजी सब फूलेगी तो सब अब्जॉर्ब कर लेगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बस सूजी भूनने में ही जो टाइम लगता है वही लगता है। तो आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है और पानी मेरा सब सोख लिया है सूजी ने। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स घी में भून सकते हैं, भून के डालिए। ये कटे हुए बादाम, काजू और अब हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। मैंने चार इलायची ली थी, इलायची पाउडर मैंने छील के कूट लिया था। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने मिला दिए हैं इसमें, मिला के चला देंगे। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया एक एक दाना फूल के अलग हो गया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट। और हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सूजी हमारे ऐसे ऐसे और फूल जाए
और 2 मिनट हो गया है, तो आइए खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हलवा बन के तैयार हुआ है, ये सूजी का हलवा। और जिस नाप से हमने सूजी और चीनी ली थी उसमें मिठाई भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ना ही ज़्यादा मीठा रहेगा और कम मीठा भी नहीं रहेगा। तो आप जब भी सूजी का हलवा बनाएं तो मेजरमेंट का ध्यान रखें, देखिए बिल्कुल खिला खिला हलवा बन के तैयार हुआ है। और अब हम इसको बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, सर्व कर लेंगे। तो अब ये देखिए कितना यम्मी टेस्टी, और मेरे रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो, मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल के हम इसको सजा देंगे, और आप खाइए और बताइए कैसी बनी मेरी ये हलवे वाली डिश। Have a nice day. Thank you.